जब 4 अप्रैल को महानगर पालिका से समस्त पार्षद कार्य मुक्त हो चुके, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका, तो उसके पश्चात कचरे का ठेका क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। इस बारे में हमने अलग अलग नगर पार्षदों से यानी शहर के नगर सेवकों से कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पर प्रत्येक नगर सेवक उसे टालता हुआ दिखाई दिया। तो हम जा पहुंचे नरेश टहल रामानी जी के पास और हमने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आइए हम सब देखते हैं कि क्या कहना है श्री नरेश टहल रामानी जी का। नरेश जी सर नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब। एक्चुअली ये सर्वविदित है कि 4 अप्रैल को महानगर पालिका बर्खास्त हो गई थी, फिर ये जो कचरे का मुद्दा आया जिसपे हम पिछली बार आपसे मिले थे, पर यहाँ देखने में आया है कि हमने कई नगर सेवकों से, कई नगर पार्षदों से बात की, पर कोई भी नगर पार्षद कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण बता के वो उस बात से कतरा रहे, टाल मटोल कर रहे हैं। मैं आपसे इस बारे में आपके व्यक्तिगत विचार जानना चाहूंगी। कृपया मेरे चैनल के दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। शर्मा मैडम, मैं खाली थोड़ी सी आपको क्लेरिफिकेशन दे दूं। आपने अपना जो संबोधन किया उसमें बताया कि नगर पालिका, महानगर पालिका बर्खास्त हो गई 4 तारीख को। महानगर पालिका बर्खास्त नहीं हुई, इन जो नगर सेवक हैं उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। तो यह हो गई एकदम स्पष्टीकरण इस चीज़ की। अब आप कह रहे हैं कि कई नगर सेवक कैमरा के सामने आने के लिए, इस कचरे के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए कतरा रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कौन से वो नगर सेवकों को आपने अप्रोच किया है, क्यों नहीं आना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं आना चाहते हैं इस विषय पे थोड़ी बहुत मुझे जो जानकारी है मैं आपको समझा सकता हूं, बता सकता हूं। हमारे सिंधी में ऐसे एक कहावत है कि वात खाए अख्यु शर्माएं, उसका अर्थ होता है हिंदी में अगर अनुवाद करूँ कि मुँह खाता है तो आँखें शर्माती है। तो ऐसा लग रहा है मुझे वो शायद इसलिए भी कतरा रहे होंगे क्योंकि उनको कुछ मिला होगा, कुछ उनको लोभ मिला है, कुछ पैसा मिला होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसके लिए शायद कतरा रहे होंगे। क्योंकि ये तो ऐसा मुद्दा है, शहर का मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, जिसके ऊपर अगर नगर सेवकों ने ईमानदारी से कुछ किया है तो कैमरा के सामने आके स्पष्टीकरण देने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो एक शायद संदेह दिखाता है, एक कारण हो सकता है। देखिए, जिस दिन इन नगर सेवकों की आखिरी तारीख थी, उनके कार्यकाल का आखिरी तारीख थी, उस दिन वो लोगों ने बैठ के, जैसे मैंने पहले के इंटरव्यू में भी आपको बताया था, मेरे शहर का चीरहरण कर दिया था। उन्होंने 4.5 लाख के रुपए के ऊपर जो रोज एक ठेकेदार को ठेका दिया था कचरा उठाने का शहर में से, विद द कंडीशन की जीरो गार्बेज होगा, जीरो गार्बेज तो कभी हुआ नहीं। मुझे तो ये लग रहा था कि उसका जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, लेकिन उनको 8.5-8 लाख का ठेका रोज का कचरा उठाने का, और वो भी 8 वर्षों के लिए दे दिया। उसमें उन्होंने सारे अपने पार्टियों के जो उसूल थे उससे सब कॉम्प्रोमाइज करके आपस में बैठ के इसको पारित कर दिया। अब बात ऐसी है, जो मुझे इतिहास या शास्त्रों की जानकारी है उसमें यह बताया गया है कि जब द्रौपदी का कौरव के दरबार में चीरहरण हो रहा था तो बड़े बड़े रथी महारथी अपने पदों पे बैठे थे, अपने सिंहासनों पे बैठे थे, वो चुपचाप वो चीरहरण देख रहे थे, मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। उस समय श्री कृष्ण जी आए थे और द्रौपदी जी का मर्यादा संभाली थी, उनकी मर्यादा संभाली थी, एक औरत की इज्जत संभाली थी और उनका चीरहरण होने से बचाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मूक दर्शक है वो भी जनता है, और जो कृष्ण अगर बनना है, कोई कृष्ण ऊपर से नहीं आएंगे, वो कृष्ण भी जनता को ही बनना है। अगर जनता यह मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठी रहेगी तो सजा तो उनको भी आनी है, उनके पीढ़ियों तक आनी है। लेकिन अगर वो कृष्ण बन के अपने शहर का चीरहरण बचाना चाहें तो बचा भी सकते हैं। इस शहर में कई वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो चाहें तो इसका लीगल पहलू चेक करके PIL फाइल कर सकते हैं अपने शहर को बचाने के लिए। जनता, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत जनता के पास रहती है, वो अगर चाहें तो आने वाले चुनाव में पूरा का पूरा काया पलट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, सब समझती है।
अगर वो चाहें तो नए चेहरों को वोट दे करके उनको आगे ला सकते हैं और अपने शहर को बदलाव में ला सकते हैं, अन्यथा मेरे शहर की हालत तो खराब है, सबके सामने है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ पिछले 10-15 वर्षों से इस शहर में काली अमावस की रात चल रही है, लेकिन मैं आशावादी हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, उसकी किरणें मेरे शहर के ऊपर आएगी, मेरा शहर फिर चमकेगा, वो सुबह फिर आएगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।